हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमजे पैशन फॉर फूड। आई एम योर फ्रेंड जसप्रीत और आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस सी फेस्टिव स्वीट की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है गुजिया। दोस्तों होली आने वाली है तो इस होली पे आप ये गुजिया बनाइए और अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आइए देखते हैं इस स्वीट गुजिया को बनाने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है और इसकी रेसिपी क्या है। डो के लिए हमने लिया है 250 ग्राम्स रिफाइंड फ्लावर मैदा और साथ में मैंने लिया है 50 ml ऑयल या फिर आप मेल्टेड घी भी यूज़ कर सकते हैं। डो बनाने के लिए हमने एक बड़े बर्तन में रिफाइंड फ्लावर डाल लिया है और इसमें अब हम ऑयल डालेंगे। ऑयल या घी आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, जितना भी आप फ्लावर यूज़ करेंगे उसका 1/5 आपको ऑयल लेना है मोयन के लिए। इससे जो हमारी गुजिया है वो बहुत ही अच्छी खस्ता बनेगी। अच्छे से इसको मसलना है। देखिए अभी हमने पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं डाला, ये इस तरह से इसकी मुट्ठी में आप लो तो इस तरह से इसकी मुट्ठी बननी चाहिए। आपको मोयन इतना डालना है, अगर इस तरह से नहीं बन रही इसका मतलब आपका मोयन कम है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है बिकॉज हमने इसका एक टाइट डो बनाना है और इसको अच्छे से नीड करके इसका एक टाइट डो बना लेंगे हम। बढ़िया सा टाइट डो बनकर तैयार है, ये देखिए इतना टाइट होना चाहिए। अब इसको हम 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे साइड में। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम्स खोया मिल्क सॉलिड, 2 टेबल स्पून सेमोलिना सूजी, पाउडर शुगर 100 ग्राम्स, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, अदरवाइज आप रेगुलर शुगर को मिक्सी में पीस कर भी पाउडर शुगर बना सकते हैं, देसी घी 40 ml, 1 teaspoon ईच ऑफ मेलन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। साथ में मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, ड्राई फ्रूट में मैंने रेजिन्स लिए हैं, कैश्यू नट्स लिए हैं, वॉलनट्स लिए हैं, आमंड्स लिए हैं एंड ड्राई कोकोनट लिया है एंड 3 ग्रीन कार्डिमम, आप चाहें तो कार्डिमम पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आमंड्स, वॉलनट्स, कैश्यू नट्स एंड ड्राई कोकोनट को मैंने चॉप कर लिया है। स्टफिंग के लिए नॉनस्टिक पैन में मैंने देसी घी डाल लिया है, देसी घी डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, आप चाहें तो वनस्पति या ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं स्टफिंग में, और इसको हम गर्म कर लेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा उस टाइम पे इसमें हम ऐड कर देंगे मेलन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स और इनको 1 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट कर लेंगे। जब ये क्रैकल करना स्टार्ट कर दें इस टाइम पर हम ऐड कर देंगे सेमोलिना सूजी और सूजी को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे हम। जब सूजी से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी तो इस टाइम पर हम ऐड कर देंगे अपने चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स एंड रेजिन्स और इनको भी साथ में मिक्स करके भून लेंगे ताकि ये भी अच्छे से भुन जाए। ड्राई फ्रूट्स एंड सेमोलिना अच्छे से भुन चुके हैं, इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे क्रम्बल्ड खोया मिल्क सॉलिड और अच्छे से भून लेंगे इसको। इसको अच्छे से हिला हिला के हम भून लेंगे। गैस फ्लेम को हम स्लो टू मीडियम रखेंगे और इसको स्टर करते रहेंगे ताकि ये इक्वली अच्छे से रोस्ट हो। मावा स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है, गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा कूल डाउन कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर, लास्टली इसमें ऐड करेंगे क्रश्ड कार्डेमम और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मिक्सचर हमारा थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ गया है, इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर्ड शुगर और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग तैयार है, तो आइए अब हम करते हैं गुजिया की तैयारी। गुजिया बनाने के लिए हमें इस तरह के मोल्ड की ज़रूरत होती है, ये मोल्ड इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये प्लास्टिक में भी आते हैं, एल्युमिनियम में भी आते हैं, स्टील में भी आते हैं,
इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप चाहें तो आप वहां से भी ले सकते हैं। डो से हम इतनी छोटी छोटी लेमन साइज की बॉल्स बना लेंगे। देखिए इस तरह से इसको फ्लैटन अप कर लेंगे। रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन को हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, और इसको चपाती लाइक बिल्कुल थिन हम रोल आउट कर लेंगे। ये हमने चपाती लाइक रोल आउट कर ली है। अब हम लेंगे गुजिया का मोल्ड। इस चपाती को हम उठा के गुजिया मोल्ड के ऊपर इस तरह से प्लेस कर देंगे, ये देखिए, और इसके अंदर हम स्टफिंग को फिल करेंगे। एक चम्मच, डेढ़ चम्मच, जितनी भी आप इसमें प्लेस हो, क्योंकि गुजिया के मोल्ड का साइज अलग अलग होता है। कॉर्नर्स पे, एजिस पे हम पानी लगाएंगे। अच्छे से, और इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे और प्रेस कर देंगे अच्छे से, ताकि वो अच्छे से सील हो जाए। और एक्स्ट्रा वाला डो जो है चपाती का पार्ट, वो हम रिमूव कर देंगे और उसको हम अपनी बाकी की पूरीज में यूज़ करेंगे। देखिए हमारी गुजिया जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है, बढ़िया सी और झटपट से बन गई है। आइए ऐसे ही हम अपनी बाकी की सारी गुजिया भी बना लेते हैं। गुजिया मैंने बना ली है, तेल मैंने गरम होने के लिए रखा है डीप फ्राई करने के लिए, तो आइए अब हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप शुगर, 2 ग्रीन कार्डमम्स एंड अ पिंच ऑफ येलो फूड कलर, ये टोटली ऑप्शनल है। ऑयल को हमने गरम कर लिया है गुजिया डीप फ्राई करने के लिए। गैस फ्लेम को हम स्लो टू मीडियम रखेंगे और इसमें 1 by 1 हम अपने गुजिया पैन के साइज़ के हिसाब से जितनी भी इसमें आती हैं एक बैच में, वो हम डाल देंगे। गुजिया को जब हम बनाते हैं तो उसे एक वेट क्लॉथ के अंदर आप इस कवर करके रखिए, ताकि ऊपर से वो ड्राई ना हो जाए। गुजिया हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही केयरफुली निकालना है, और इसको जब फ्राई करना है तो बहुत केयरफुली फ्राई करना है, ताकि वो बीच में तेल के टूटे नहीं और अच्छे से नाइस गोल्डन ब्राउन कलर की जब ये हो जाए तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हम अपना दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे स्लो टू मीडियम हीट पे, बिकॉज़ अगर हम इसे तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये क्रिस्प नहीं बनेंगी और ऊपर से जल जाएंगी जल्दी से, जो कि खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगी। अब हम एक पैन में शुगर डालेंगे और साथ में हम डाल देंगे 1/2 कप पानी। यहाँ पे मैं 1 कप शुगर और 1/2 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। शुगर मेल्ट हो गई है, इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे क्रश्ड कार्डमम और अच्छे से इसको मिक्स करके मीडियम हीट पे इसे पकने देंगे। 2 स्ट्रिंग्स की सिरप बनाना है हमने, तो इसीलिए हम इसे पकने देंगे जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पिंच येलो कलर, ये टोटली ऑप्शनल है। इसे डालने से गुजिया में बहुत ही अच्छा नाइस लाइट येलो कलर आएगा जब हम इसे कोट करेंगे शुगर सिरप में। आप चाहें तो गुजिया को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, उसे कोट करना ज़रूरी नहीं है, वो बिना कोट के भी बहुत टेस्टी लगती है। चाशनी हमारी बन चुकी है, गैस फ्लेम को हम बंद कर देंगे। चाशनी को चेक कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। चाशनी को ठंडा करके आप ऐसे अपनी फिंगर्स और थंब के बीच में इस तरह से रखेंगे, ये देखिए 2 स्ट्रिंग्स बन रही हैं। अब हम चाशनी में अपनी गुजिया को कोट करेंगे। कोट करने से पहले एक बात का ध्यान रखिए कि गुजिया या चाशनी दोनों में से एक चीज़ रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए और एक चीज़ गर्म। गुजिया हमारी रूम टेम्परेचर पे है और चाशनी हमारी गर्म है। इस टाइम पे हम गुजिया को इसके अंदर डालेंगे 1 by 1। गुजिया को हम इसमें डाल देंगे, इनको अच्छे से चारों तरफ से हम कोट कर लेंगे।
और जब अच्छे से जो शुगर सिरप है वो गुजिया के आसपास कोट हो जाएगा, तो इसको हम निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए खुले में ऐसे ही रहने देंगे, जिससे कि ये जो शुगर सिरप है ये ड्राई हो जाए। अगर आपको लगे कि चाशनी ठंडी हो गई है तो आप चाशनी को दोबारा से गर्म कर सकते हैं, और चाहें तो आप चाशनी बनाकर रख लीजिए और उसके बाद गर्मा गर्म गुजिया बना के डायरेक्टली चाशनी में डाल दीजिए और उसको कोट करके आप निकाल के एक प्लेट में रख लीजिए। मावा गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने गार्निश किया है आमंड फ्लेक से। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये। आप इसे इजीली किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं 8 से 10 दिन के लिए। देखिए इसको मैं एक आपको बीच में से कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया बीच में स्टफिंग और बाहर से क्रिस्पी स्वीट लेयर है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे साथ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मैं आपके पास लौटूंगी एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।